प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और मैं एक अमेरिका, जो कि मेरा दूसरा मुल्क है, दूसरा मेरा होमलैंड कह लें, मेरा वतन है, उसके बारे में मैं गाहे बगाहे लेक्चर देता हूँ, जो कि बड़े इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होते हैं, ना सिर्फ जो अमेरिका में रहने वाले दोस्त हैं उनके लिए, बल्कि जो मेरे पाकिस्तान, पहला जो मेरा हम मेरा वतन है, उसके लोगों के लिए भी ये इंफॉर्मेटिव होता है। तो आज के लेक्चर में मैं अमेरिका में बताऊंगा कि अमेरिका में किस तरह इजादात हुई, और दूसरी चीज़ कि अमेरिका ने तजारत किस तरह की, फिर तीसरी चीज़ कि इकॉनमी जो है वो अमेरिका की, वो किस तरह इस्टेब्लिश हुई। सो शुरू करते हैं। अमेरिका की मुआशी तरक्की की शुरुआत ज़रात से हुई, यानी एग्रीकल्चर से हुई। ज़रई अजनास यूरोप को बरामद होती थी, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को काबिले ज़रात बनाने के लिए इंसानी मेहनतकारों की ज़रूरत पड़ी, और यूँ अमेरिका भी अफ्रीकी ग़ुलामों की बहुत बड़ी मंडी बन गया, क्योंकि धूप में जफाकशी का काम एंग्लो सैक्सन गोरा तो नहीं कर सकता था। तो 19वीं सदी के अवाइल तक अमेरिका की खुशहाली ज़राअत पर, एग्रीकल्चर पर मबनी थी। जो ही स्टीम इंजन ईजाद हुआ, ये बरतानिया ने ईजाद किया था, उस दिन से सनअती इनकलाब शुरू हो गया, यानी एग्रीकल्चर से अब इंडस्ट्रियल इनकलाब शुरू हो गया। अमेरिका ने भी भाप की ताकत से ज़रात का कुछ हिस्सा मैकेनाइज करना शुरू कर दिया। ज़र्री तजारत के इजाफे की वजह से अमेरिका में जो तजारत पेशा लोग थे, उनका असर रसूख बढ़ गया। ज़रात के साथ साथ लाइफ स्टॉक, यानी जानवरों की जो होते हैं, उनकी भी अफजाइश शुरू हो गई, तरक्की हुई। ज़र्री तजारत से कमाया हुआ सरमाया सोने और कोयले की कानकनी और सनती तरक्की के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इजादों और दरियाफ्तों का दौर शुरू हुआ। अमेरिका अपनी आज़ादी के करीबन 130 साल बाद तक किसी भी जंग से महफूज रहा, सिवाय मकामी जंगों या झड़पों के, जो अमूमन मकामी रेड इंडियन के मुख्तलिफ कबायल से होती थी, और कुछ इलाके जंगें भी, यानी मैक्सिको के साथ या स्पेन की नौ आबादी क्यूबा को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका ने लश्कर कशी की। अमेरिका की अंदरूनी 4 साल जंग इब्राहिम लिंकन के ज़माने में 1860 से 1865 में लड़ी गई। शमाली रियासतों ने इस असना में भाप की ताकत के इस्तेमाल से ना सिर्फ ज़रायत को मैकेनाइज कर लिया, जबकि ज़रई अजनास की प्रोसेसिंग के लिए मुख्तलिफ मशीनें और औजार भी ईजाद कर लिए थे, मसलन थ्रेशर, हार्वेस्टर, जिनिंग यानी रोई का बीज अलग करने की मशीन, गंदम का आटा बनाने के लिए ऑटोमेटिक फ्लोर मिल, बनौला से तेल निकालने की मशीन, गर्ज का जो पहले काम इंसानी हाथों या मवेशियों की ताकत से होता था, वो काम अब भाप की ताकत से शुरू होना शुरू हो गया। 1860 तक अमेरिका की शमाली रियासतें भाप से चलने वाली भारी मशीनरी, जो कानकनी में इस्तेमाल होती थी, ईजाद कर चुकी थी। थ्रेशर और हार्वेस्टर बनाने वाली कंपनी जॉन ड्रेयर 135 साल पहले शमाली रियासत इलिनॉयस में बन चुकी थी। रुई की धुनाई यानी कार्डिंग्स करने वाली मशीन और कपड़ा बनाने वाली खड्डी यानी लूम्स में इस्तेमाल होने वाली बेबिनों की ईजाद ने अमेरिका को कपड़ा बनाने वाली कौमों में अव्वलीन मकाम दिया। रोटरी प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद ने जहां अखबारी सनत को बामे अरूज पर पहुंचाया, वहां सस्ती किताब के ज़रिए इलम का हसूल भी अर्जा और आसान हो गया। 1940 तक अमेरिका हर किस्म के मवासलात में बहुत आगे बढ़ चुका था। मौजूदा रेल की फौलादी पटरी, मॉर्स कोड्स, सस्पेंशन ब्रिजेस और पोर्टलैंड सीमेंट की अमरीकी ईजादों ने
अमरीकी रेलवे और सड़कों के निज़ाम को तेज़ी से तरक्की दी। एयर कंडीशनिंग की इजाद ने रेल का सफ़र नहायत आरामदह कर दिया। अमरीकी रेलवे ने रेलगाड़ियों में मुसाफरों को रात के वक़्त सोने के लिए स्लीपर बर्थ पहली मरतबा रोशनास कराए। हर किस्म के मशीन टूल अमरीका ही की इजाद हैं, मसलन लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, फौलाद की छलाई करने वाली मशीन। इन मशीनों की इजाद से कबल ये तमाम काम हाथ से होते थे। आप अंदाज़ा करें कि 18वीं सदी तक सनतकारी का हर किस्म का मरहला इंसानी हाथों या मवेशियों की ताकत से मुकम्मल होता था, क्योंकि मैकेनिकल पावर का ज़रिया यानी भाप और बिजली अभी वजूद में नहीं आया था। चूँकि अमरीका ज़ेर ज़मीन ड्रिलिंग करने वाली मशीनरी बनाने की महारत हासिल करने वाला पहला मुल्क था, इसलिए जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोलियम की दरियाफ्त हुई तो अमरीकी कंपनियां ही तेल निकालने और उसको साफ करने के लिए आगे आईं। तेल की दरियाफ्त से सन्नती इनकलाब का दूसरा मरहला यानी पार्ट टू शुरू हुआ। इससे पहले केमिकल इंजीनियरिंग के शोबे में कोई खातर खातर की नज़र नहीं आती है। मादनियात या दरख्तों और पौधों के मरकबात यानी कंपाउंड से ही मुख्तलिफ केमिकल मवाद बनाए जाते थे, ख्वा शीशा यानी ग्लास या मुख्तलिफ अद्वियात, खुशबुयात या तमीरी लवाजमात। इन तमाम चीज़ों की तैयारी में मादनियाती और नबाताती अज्जा ही का इस्तेमाल होता था। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स ने मईशत के हर शोबे में इनकलाब बरपा कर दिया। मसनूई कपड़ा, पुख्ता सड़कों की तमीर के लिए कोल तार यानी बिटुमेन, हर किस्म के पेंटिंग के रंग, प्लास्टिक, छापा खाने की स्याही, हर किस्म की खुशबुएं और इंसानी सेहत के लिए अद्वियात और मसनूई खाद वगैरह पेट्रोलियम ही से निकाले जाते हैं। जहां अमेरिका ने ज़मीन से तेल निकालने में पहल की, वहां पेट्रोलियम की अहम तीन प्रोडक्ट्स बनाने में भी अमेरिका ही ने बरतरी हासिल की। केमिकल खाद ने तो ज़र्री दुनिया में इनकलाब बरपा कर दिया। अमेरिका दुनिया का बड़ा सन्नती और ज़र्री मुल्क 1940 तक बन चुका था। हवाई जहाज़ की सन्नत पर अमेरिका की आज तक अजारादारी है। दोनों अजीम जंगों की वजह से अमरीकी असले की भी अहमियत बढ़ गई। यूरोप भाप की ताकत और बिजली की ताकत से लेकर एटमी ताकत को अमेरिका 1940 तक हासिल कर चुका था। यह दूसरी बात है कि एटमी ताकत का इस्तेमाल 5 साल बाद हुआ, जो ना सिर्फ जर्मनी और जापान की शिकस्त पर ख़त्म हुआ बल्कि आइंदा आने वाली दहाइयों में भी अमेरिका का आलमी करदार भी बदल गया। अजीम जंगों से पहले अमेरिका सियासी तौर पर अपने आप को अलग थलग रखता था। अमेरिका का जुग्राफिया भी ऐसा था कि दोनों अजीम जंगों के तबाहकुन असरात से ये मुल्क महफूज रहा। दोनों जंगों ने यूरोपी ममालक को मुआशी तौर पर कमज़ोर कर दिया। इन यूरोपी ममालक की गिरफ्त अपने ज़ेर सल्लत नौ आबादियों पर कमज़ोर पड़ गई। अफ्रीकी और एशियाई कॉलोनियाँ यकाबाद दिगरे आज़ाद होना शुरू हो गई। फिर अमरीका और रूस के दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई। अमरीकी सरमाया और टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बरतानिया समेत तमाम छोटे बड़े ममालक ने अपने अपने हलकों असर और सूख बना लिए। दूसरी जंग अजीम के खात्मे से लेकर 20वीं सदी तक के अख्ताम तक अमरीका एक ऐसे ताकतवर हाथी की मान था जिसको चारों तरफ से जख्म लग रहे थे। चीनी कम्युनिज्म के बढ़ते हुए सैलाब को रोकने के लिए 1948-49 में अमेरिका ने चियाकिंग काइशेक की जंगी मदद की और शिकस्त खाई। कोरियन वार और वियतनाम की जंग से इराक तक अमेरिका को कहीं से भी कामयाबी नहीं मिली, मासवाय इंसानी हलाकतों और माली ज़िया के। अमेरिका अपनी दौलत और असलाह की ताकत के बावजूद किसी भी जंग को फैसला कुन ना बना सका। अमेरिका अपने आप को दुनिया की नाकाबले तस्खीर ताकत बनाने के जुनून में मकरूज होता गया।
पिछले 10 सालों में अमेरिका का जीडीपी 50% बढ़ा, लेकिन अंदरूनी कर्जे 200% बढ़े। आज की दुनिया में सरमायादारी मफादात को बरतरी हासिल है। इस सूरत हाल में किसी मुल्क को फौजी शिकस्त देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसकी मईशत का गला घोंट कर उस मुल्क को इबरतनाक हलाकत दी जा सकती है। अगर आलमी तेल और सोने की खरीदो फरोख्त जबरी तौर पर डॉलरों में ना होती तो आज तक अमरीका दिवालिया हो चुका होता, क्योंकि अमरीकी डॉलर की पुष्ट पनाई सिर्फ तेल और सोने की आलमी मंडी कर रही है। अभी तक अमरीकी डॉलर को ही रिजर्व करेंसी का मुकाम हासिल है, इसलिए गरीब से गरीब मुल्क भी तेल की ख़रीदारी के लिए डॉलर ही में अदायगी करता है। डॉलर के असूल के लिए गरीब मुल्क अपनी मादनी अफरादी और ज़र्री पैदावार सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। चीनी युआन को अब IMF ने बैन अलाक्वामी रिज़र्व करेंसी का मकाम दे दिया है। अमेरिकी डॉलर के लिए एक ये बड़ा धचका होगा। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ, अगली दफ़ा इसको कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए मेरे चैनल डॉक्टर।